ये इटावा की वो मस्जिद है जो कि प्रसिद्ध मस्जिदों में से मानी जाती थी। इस मस्जिद की खूबसूरती की बात की जाए तो लोग दूर दूर से इसको देखने के लिए आते थे, लेकिन आज ये वीरान हो चुकी है। बीती रात की बात की जाए तो बीती रात को अज्ञात कारणों के चलते इसमें आग लग गई थी। आग की वजह से पूरी ही मस्जिद क्षतिग्रस्त हो चुकी है। कैमरामैन से कहेंगे कि पीछे की तस्वीरें दिखाए, ऊपर कैमरा उठाए और ये देखा है कि किस तरीके से रात के समय जो आग की लपटें थी वो पूरी ही मस्जिद को अपनी चपेट में ले लिया है और तमाम तरीके का जो सामान था वो जलकर राख हो चुका है। पुलिस के आलातकारी मौके पर पहुंच चुके थे, लेकिन आलातकारियों के द्वारा अभी तक ये पुष्टि नहीं की गई है कि आखिर ये आग कैसे लगी है। अब जांच का विषय ये होता है कि आखिर पुलिस के आलातकारियों के द्वारा और फोरेंसिक टीम जो मौके पर पहुंची थी और जांच पड़ताल की थी, लेकिन अभी तक ये सामने निकल कर नहीं आ पाया कि आग कैसे लगी है। यह तो जांच का विषय है। कैमरामैन सुमन तिवारी के साथ असलम अंसारी, भारत टीवी, इटावा। उत्तर प्रदेश के इटावा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां मस्जिद में आग लगने का मामला सामने आया। मस्जिद में आग लगने के बाद चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल देखा गया। आनन फानन में मस्जिद में लगी आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया। तब तक मस्जिद में लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच पड़ताल शुरू कर दी। स्थानीय लोगों ने मस्जिद में लगी आग पर पाया काबू। इटावा जिले के एकदिल इलाके में मोहल्ला ढेर में बनी छोटी सी मस्जिद में अज्ञात कारणों के चलते देर रात आग लग गई। आग लगने के बाद जब आग की लपटें मस्जिद से बाहर आने लगी तो भी स्थानीय लोगों ने मस्जिद में आग की लपटों को बाहर देखा। स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने मस्जिद में दाखिल होकर मस्जिद में लगी आग पर काबू पाने के लिए पानी की बौछार की। काफी कड़ी मशक्कत के बाद मस्जिद में लगी आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक मस्जिद में रखा लाखों रुपए का सामान नुकसान हो चुका था इसका। और मस्जिद में आग लगने की जानकारी जैसे ही मुस्लिम समुदाय के लोगों को हुई तो आनन फानन में मुस्लिम समुदाय के लोग मस्जिद पर पहुंच गए, जहां पर मस्जिद में आग लगने की वजह को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई। आनन फानन में एकदल थाने की पुलिस मौके पर पहुंची, जहां उन्होंने मौके का मुआयना किया। इसी दरमियान क्षेत्राधिकारी और फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंच गई, जहां पर जांच पड़ताल की गई है कि आग किस वजह से लगी। क्षेत्राधिकारी ने आश्वासन दिया है कि आग लगने की वजह का जल्द ही खुलासा किया जाएगा। नवीद जी, इकदिल इलाके में जो एक मस्जिद में आग लगी है, किस तरीके से आग लगी थी और क्या मंजर आपने देखा था? इस मस्जिद में जो है लगभग 12:20 के करीब आग लगी। जब हम लोगों को पता लगा तो 12:20 का करीब समय था, और जब हम लोग 4-10 लोग इकट्ठे हो गए मोहल्ले के, फिर गेट खोल के अंदर घुसे, उसके बाद आग बुझाई। तो जब आग लगी थी उस समय का मंजर कैसा था? उस समय इसमें बहुत अंदर घुटन हो रही थी और बहुत तेज आग निकल रही थी चारों तरफ से, और मस्जिद जो है इस समय कंडीशन जर्जर हालत में हो चुकी है। आप लोगों ने आग को किस तरीके से बुझाया? दमकल की टीम आई थी या आप लोगों ने आसपास से पानी के इंतजाम किए? दमकल की टीम तो कोई नहीं आई थी, लेकिन पड़ोस से समर लेके और मस्जिद का समर लेके दो समर लगा करके उसकी आग को बुझाया। क्षेत्र अधिकारी आए यहाँ पर, पुलिस के अधिकारी आए, उन्होंने क्या बताया? उन्होंने कहा कि हम जाँच कर रहे हैं, जो भी दोषी होगा उसे सजा मिलेगी। लगभग मस्जिद में कितने लाख रुपए का नुकसान के एक अंदाजा लगा? लगभग 5-6 लाख के लपेट में नुकसान है। राजू भाई, इकदिल की जो मस्जिद है इसमें आग लगी है, क्या वजह थी और किस वजह से आग लगी है? रात को तकरीबन 12:30 मोहल्ले के लोगों ने मस्जिद से धुआं उठता देखा, और जब धुआं देखा तो लोग आए तो अंदर से मस्जिद में ताला पड़ा हुआ था, जबकि अंदर से ताला कोई लगाता नहीं और ऊपर जीने का गेट खुला हुआ था। तो ऐसा लगता है किसी कारण भी आग लग सकती है, या हो सकता है किसी ने लगाई है, ये साजिश भी हो सकती है। आग लगने की घटना तकरीबन कितने बजे की बताई जा रही है? तकरीबन लगभग 12:30-1 बजे की। मस्जिद में जो आग लगी है, आग बुझाने का काम किन लोगों ने किया, कहाँ के थे? मस्जिद के आसपास के लोग, पड़ोसी लोग थे, उन लोगों ने समर चालू किया, मस्जिद की समर चालू किया, सामने गफ्फार भाई का समर चालू किया, उसके बाद में इस मस्जिद की आग बहुत भयंकर आग लगी। मस्जिद में अब तक कितने का नुकसान हुआ है? लगभग 5-6 लाख रुपए का नुकसान होगा मस्जिद। यहाँ पर जो अधिकारी आए थे, क्षेत्र अधिकारी, कौन सी टीम? अमित कुमार सिंह जी आए थे, स्टेशन अफसर यहाँ के आए हैं, कस्बा इंचार्ज भी आए हैं, पूरा मदद का आश्वासन दिया, पूरी मदद भी कर रहे हैं, फॉरेंसिक टीम भी आई है। कुछ ऐसा लग रहा है कि माहौल खराब करने की कोशिश की गई हो? माहौल खराब करने की कोशिश की जरूर गई है, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं है, हम लोग हिंदू मुस्लिम भाईचारे विश्वास रखते हैं और जीवन साथ रहे हैं, हमेशा साथ रहे हैं।